आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। विधायक द्वारा नल जल योजना का निरीक्षण। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सचिन बिरला द्वारा बेड़िया में करीब 4 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री नल जल योजना अंतर्गत चल रहे पानी की टंकी और पाइपलाइन का कार्य निरीक्षण किया। सख्त आदेश अधिकारियों को दिए, जिसमें कंपनी के पाइप, कंपनी के फिल्टर और घरों में नलों के स्टैंड के साथ साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार घर घर पानी पहुंचे, साथ ही प्रत्येक घर में एक कनेक्शन दिया जाए, जिससे सभी को आखिरी छोर तक पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। बेड़िया को ये सौगात कई वर्षों बाद मिली। नगर सरपंच चंद्रपाल सिंह सोहनेर द्वारा विधायक महोदय को अवगत कराया गया। कंपनी द्वारा थोड़ा थोड़ा काम सभी को और चालू कर दिया जाए, जिससे ग्राम की जनता को परेशानी आ रही थी। साथ ही पंचायत की परमिशन के बिना नल कनेक्शन नहीं देवे, जिस पर विधायक द्वारा एक तरफ से कार्य चालू कर पूर्ण किया जाए, इसके बाद दूसरी तरफ कार्य चालू करे, जिससे जनता को परेशानी ना हो। साथ ही सरपंच की अध्यक्षता में 10 लोगों की समिति बनाई जाए, जो इस काम पर निगरानी रखे। नए कनेक्शन देने के बारे में प्रत्येक वार्ड में पंच के साथ उस क्षेत्र के 5 से 10 व्यक्ति की समिति किसे कनेक्शन देना है ये तय करेगी। इस अवसर पर SDOP HE दयाल राठौर, सब इंजीनियर सूरजपाल, उप सरपंच बेणीराम भाईड़िया, गोविंद बिरला, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, दिलीप पटेल, राजेंद्र नामदेव, गोपाल कानूनगो, नरेंद्र गांव शिंदे, कौशल उपाध्याय, सुनील पटलिया, रजनीश कानूनगो, गोपाल पाठक, जितेंद्र भाटिया, ऋषि राज पटलिया सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। कमेटी को भी मैनेज करेंगे और आपको भी करेंगे। कोई भी तकलीफ आएगी तो बीच में सामंजस्य बिठाएंगे। जैसे मान लो कोई लाइन फूट गई तो उसको तत्काल रिपेयरिंग कराने का काम इनका है, जो पानी जाना पहली प्राथमिकता। ये सारी 4-4 दिन में, जैसे अभी इन्होंने बोला कि उधर 4 दिन में होगा, बात है, अब इस तरह से नहीं चलेगा। तो इनको आप अपने दिमाग से शांति से एक दिन लो, पूरा 4 घंटे लो, इनके साथ पंचायत में 4-5 लोग बैठो, ज़्यादा भीड़ भड़कता मत करो। कौन बैठेगा मैं बता देता हूँ, अभी सरपंच, सचिव और आप, ठीक है, कहीं नहीं बैठ जाओ कमरे में चुपचाप से, और वहाँ एक एरिया दे दो इनको, मैं इधर का एरिया काम करें, मतलब नेतागिरी होगी नहीं, समझो भाई, काम करना दो, नहीं तो हम सब कपड़े सपड़ करना है। उन्होंने तो बोल ही रहा, समझ में एक कभी नहीं गया, उतनी सही गलत है भाई। और उसके ऊपर 10 लोगों की कमेटी रहेगी, जिसमें सरपंच की अध्यक्षता में होगा, 9 लोग हमारे नीचे रहेंगे, ये 10 लोग जो बोले गाँव में आप कर देना, और 10 की कमेटी हमारी वार्ड में रहेगी, 5-7-8 जैसे भी हो जाएगी, छोटे वार्ड में 5 की, बड़े वार्ड में 10 की, सही गलत वो उनके हिसाब से किन किन घरों में कनेक्शन देना है उनको पूछ लेना आप, कि भैया आप ही बता दो कनेक्शन क्या करना, हम 10 की लिस्ट आपको दे देंगे। बुला लिया करो कि भैया आप, हमने खोद ली नाली, आप 10 लोग